गाइस, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने रील्स वगैरह बनाई हैं और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए किचन में। और अभी ऐसे ही फैला पड़ा है तो पहले मैं बनाऊँगी खाना। टाइम हो गया 8 बजे का, तो बनाते हैं खाना, उसके बाद मैं करूँगी पैकिंग। क्योंकि पैकिंग इसलिए करूँगी क्योंकि अरे और बात करने थी ना, करने दी, चल जा। हाँ चलो, मैं खाना बना के आती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे घर में। दूसरे घर में क्या रीज़न है, मैं क्या रीज़न बताऊँ आपको। आप समझो कि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर लेना चाह रही हूँ, अभी ये सेकंड फ्लोर है, तो इसलिए थोड़ा मैं सोच रही हूँ डिलीवरी से पहले चेंज कर दूँ और नीचे ही वाला पोर्शन ले लूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत वगैरह। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया है। तो अभी बाकी फ्लैट वो रूम वगैरह जो ग्राउंड फ्लोर पर, वो देख के आ गए हैं। इसके डैडी ने देख लिया, मैं नहीं गई थी देखने के लिए, उन्होंने ही पसंद कर लिया, तो पसंद आ गया है। बाकी इधर से हम लोग शिफ्टिंग कर देंगे 2-4 दिनों के अंदर ही। फिर क्या है, टाइम भी नज़दीक आ रहा है डिलीवरी का, तो इससे पहले उधर भी सेटल वगैरह हो जाएंगे। नीचे रहेगा तो क्या है, चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर बच्चों के साथ प्रेशियस का भी वो नहीं रहता है ना, कब नीचे गेट खो, मतलब थोड़ा गेट खुला मिल जाए तो चली जाए आना है। रीज़न यही है कि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर लेना चाह रही हूँ, ये सेकंड फ्लोर है, तो बस इसी चढ़ने के चक्कर में। तो इसी इसके टाइम भी मैंने ये ही किया था क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ही लिया था नीचे ही। फिर उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभार छोटा पूरा काम रहता है तो उसको अपन खुद कर लो, कपड़े अपड़े डालना या बच्चे के उठाना, जो भी है धीरे धीरे करके, क्योंकि कोई करने वाला तो है नहीं मेरे यहाँ, मैं अकेली हूँ तो इसलिए। और तो बस इसी चक्कर में मैं शिफ्ट करूँगी और धीरे धीरे। बाकी मैंने किचन का तो जो भी मतलब कांच वाले थे वो सारे पैक कर दिए हैं आज सुबह दोपहर में, और अभी थोड़ा थोड़ा करके 2-4 दिन में, मतलब अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा ही करके करूँगी, एक साथ तो मेरे से नहीं होगा और मैं थक भी जा, मतलब पेट में क्या प्रॉब्लम होती है गैस वगैरह की, तो इसलिए मैं एक साथ नहीं करती हूँ, धीरे धीरे ही करूँगी सारा जो भी पैकिंग है। तो किचन का कर दिया है आधा सामान मैंने, जो कांच वाले थे वो सारे कर दिए। अभी मैं इधर कपड़े पड़े हैं जो फालतू हैं वो पहनने के लिए, थोड़े बहुत ही पहनने के रख लूँगी और बाकी उनको भी पैक वगैरह कर दूँगी। और कुछ सामान जैसा कि थोड़ा बहुत इन्होंने पैक कर दिया है, तो बस अभी तो टाइम है, खैर 2-4 दिन में शिफ्ट करेंगे तो धीरे धीरे कर ही लेंगे। तो अभी तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खाना बना और अब दोपहर में क्या हुआ, हम लोगों ने पैक करने के बाद नहा धो के फिर मैं आराम भी सो लिया, तो रात में क्या, अगर दोपहर में मैं सो जाऊँ ना या प्रेशियस भी सो जाए दोनों, तो रात में एक तो बजी जाता, नींद नहीं आती कितनी। कल भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी कल रात में। तो अभी मैं सोच रही बस खाना बनाने के बाद फिर रील्स वगैरह भी बना ली थी मैंने, क्योंकि ये भी देखना है ना, ऐसे ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर चलती भी नहीं है। तो अभी गैप ऐसे ही चल रहा है कि तो मैं रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, जैसे 2-4 दिन में एक बार मैं बना ही लेती हूँ, जब मुझे लगता है ठीक समय महसूस होता है तो मैं बना लेती हूँ वीडियोज़ वगैरह। तो बस और हाँ, तो रात में वैसे नींद नहीं आती, तो मैं सोच रही हूँ कि रात में ये थोड़े बहुत कपड़े हैं जो भी हैं उनको पैक करके रख लूँ, क्योंकि करना तो है ही, जब मतलब सामान सेटल हो जाता है तब तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, जब पैक वगैरह करो या चेंज करो जब पता चलता है कितना सारा सामान है अपने पास, तो बस ऐसा ही है। तो चलते हैं अभी खाना बनाने के बाद। ये देखो इनको दुपट्टे का इतना शौक है, बहुत ज़्यादा, दिखाती हूँ मैं आपको। हाय, बस अभी मैं बाल वगैरह भी ऊपर के लिए फोल्ड कर लूँगी, गर्मी है किचन में तो और ज़्यादा लगती है, तो जूड़ा बना लूँगी बस, और टी शर्ट भी चेंज करूँगी क्योंकि ये वाइट है, तो खाना बनाते समय मतलब दाग सब मेरे पे तो वैसे भी मतलब लग ही जाता है, तो फिर छूटने में बहुत दिक्कत आती है, तो टी शर्ट चेंज करूँगी
कोई कलरफुल पेन लूँगी जिसमें कि दाग वगैरह ना लगे। खाना बनाने खाने बनाऊँगी कद्दू की सब्जी। अभी सब्जी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं, तो अभी सब्जी आई थी तो मैंने कद्दू ले लिया, अरवी ले ली, हरी मिर्ची कैरी वगैरह तो रखी ही, तो बस अभी बनाते हैं कद्दू और यही खाना है। चलो सो आप इधर देख सकते हो प्रेशियस का मेकअप, कितना अच्छा मेकअप किया है उसने अपना। इसको मेकअप का इतना शौक है बहुत ज़्यादा, और है ना ये मौका देख के मेकअप करती है, जैसे कि इसको लगा कि मम्मा काम करने में बिजी है और डैडी है नहीं, तो बस और उठा लिया उसने मेकअप और करने में स्टार्ट हो गई। टीवी चल रही थी, लेकिन टीवी चलती है ना तो भी इसकी आवाज़ें आती रहती हैं अगर ये कुछ ना करे तो। मैं सोच रही थी, काम कर रही थी, मैंने कहा ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, कर क्या रही है आखिर। जब मैंने देखा जाकर तो लगी आराम से मेकअप करने में। मैंने कहा वाह, किसने बोला कि किसी ने नहीं, क्या कहती है, मेरा मुंह गंदा हो रहा था ना इसलिए मैंने मेकअप कर लिया। मैंने कहा इस तरीके से कौन करता है मेकअप यार, तो बोल रही थी अच्छा नहीं लग रहा, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने रेड रेड ये भी लगाया वो भी लगाया, तो इसको इतना शौक है बहुत ज़्यादा मेकअप करने का, और मौका देख के मेकअप करती है ये। पता है कि मम्मा अभी काम में बिजी हैं तो कुछ कहेंगी नहीं, तो बस अभी मैं आ गई हूँ कमरे में, सारा खाना वाना बना के कंप्लीट करके और इधर करने लगी हूँ मैं ये टॉय बॉक्स को खाली। इसमें कपड़े वगैरह कुछ मेरा सामान था मेकअप सेकअप का और जो भी था, मैं इस कवर को खोल के यहीं धो लूँगी और टॉय बॉक्स को भी खाली करके मतलब फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अभी पैकिंग कर ही रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ अभी धीरे धीरे सब कर ही लेती हूँ, तो इसलिए अभी इसमें इतना सामान भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, छोटा सा टॉय बॉक्स लेकिन सामान बहुत है, जब निकालते हैं ना तब पता चलता है कि कितना सामान भरा हुआ है। ये है ना एक एक महीने से ज़्यादा हो गया मैंने धोया नहीं था, तो बस अभी इसको धो दूँगी सूख जाएगा, और लगी हूँ मैं धीरे धीरे काम करने में। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी कमरे में जबकि मैं पंखा चलाई थी, लेकिन उमस टाइप की हो रही थी अंदर है ना, तो इसलिए, और कूलर बाहर चल रहा था, कूलर में फ्रेशियस ये लोग थे तो फिर मैं अंदर को लेके नहीं आई थी। मैंने कहा चलो ये बाहर ही हवा खाते रहेंगे, लेकिन बाहर से बिल्कुल ऐसी उमस सी आ रही थी। इधर क्या है कि इस कमरे में छोटी सी खिड़की है तो गैस पास क्या है अच्छे से नहीं हो पाती है, तो अभी मैं सारे कपड़े रख रही हूँ जो भी हैं, इनको ले जाने वाले सॉरी पैक करने वाले ले जाने तो सभी सामान हैं, और देख देख के तो लग सबसे ज़्यादा तो भाई कपड़े हो जाते हैं, कपड़े इतने निकलते हैं जब पहनो ना तब समझ में ही नहीं आता कपड़े हैं कि नहीं है, लेकिन अभी इस टॉय बॉक्स के अंदर से इतने कपड़े निकले हैं, इतने बहुत ज़्यादा मेरे और प्रेशियस के। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं कि जो मुझे अभी आ नहीं रहे हैं इस टाइम, तो मैं उनको उठा के रख दूँगी और बाकी जो पहनने वाले हैं उनको ही रखूँगी। कुछ अभी टाइट टाइट से हो रहे हैं तो ऐसे मतलब गर्मी में वैसे भी टाइट कपड़े बिल्कुल भी मुझे तो अच्छे लगते नहीं हैं पहनने में, खिंचा खिंचा सा बिल्कुल ढीले वीले, तो अभी ये कपड़े मैंने इस कार्टून में रख दिए हैं। अभी इस कमरे में बहुत गर्मी लग रही है और मैंने बस ये रैक खाली कर दिया, इस पर से ये कवर निकाल दिया, इसको कल धो दूँगी मैं कवर को, और बाकी कपड़े मैंने कार्टून में रखे हैं। जो बैग वगैरह मुझे निकालने हैं बेड में से तो उनको मैं सुबह ही निकालूँ, क्योंकि अभी तो उस पर प्रेशर वगैरह लेटी हुई है, तो फिर मैं सोच रही हूँ सुबह क्या थोड़ा ठंडा भी रहता है, अभी तो बहुत उमस टाइप की हो रही है इस कमरे में, बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अभी कल करूँगी जो भी है, और बस अभी मैं मम्मी वॉश वगैरह करती हूँ धोती हूँ फिर उसके बाद आराम करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है यार। तो चलते, पंखा चल रहा है लेकिन गरम गरम हवा लग रही है पंखे की, कूलर की हवा कूलर तो आ रहा है, तो कोई नहीं गर्मी, इसका ये कवर भी गंदा हो गया था तो मैं सोच रही थी यहीं से धो के ले जाऊँ तो डायरेक्ट जाके फिर उधर इतना नहीं पड़ेगा मेरे पे, तो बस अभी मैं मुंह वॉश करके आती हूँ सबसे पहले। तो देख रही हो आप लोग पसीना कितना आ गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा सामान और उठाने लगी थी और जब तक ये देख रही हो कितनी गर्मी हो रखी है, तो अभी मैं जा रही हूँ मुंह वॉश करने के लिए। प्रेशियस लगी है मोबाइल में, तभी तो वो इधर कमरे में नहीं आ रही थी क्योंकि मोबाइल में लगी हुई ना, मोबाइल मिल जाए ना बच्चों को तो पता नहीं क्या भगवान मिल गए उनको, ऐसा रहता है उनका। तो बस अभी बिजी है
मुंह वॉश करके और मैं भी आराम करती हूँ यार, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ। सुबह भी मैंने ये पैकिंग वगैरह की थी, तो कुछ अभी बाकी कपड़े मैं सुबह रखूंगी। सुबह ठंडा भी रहता है और बेड वगैरह भी खाली हो जाएगा, तो बैग वगैरह निकालूंगी उसमें से। तो बस